नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के छाबड़ा, प्राइमस हॉस्पिटल में चेस्ट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। आज हम बात कर रहे हैं चेस्ट डिजीज़, खासकर इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में, और जहाँ की वायु प्रदूषण अब धीरे धीरे बढ़ रहा है दिल्ली के शहर में। हर साल ये देखा जाता है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में, तो जो पंजाब के एरिया में क्रॉप बर्निंग होती है और दिल्ली का ट्रैफिक है, इससे पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन ऑन आवर हेल्थ? एयर पोल्यूशन इंक्रीजेस सिम्टम्स ऑफ चेस्ट डिजीज। जिन्हें पहले से ही दमा है या ब्रोंकाइटिस है, ये देखा जाता है कि उनमें खांसी ज़्यादा हो जाती है, सांस की तकलीफ हो जाती है, एंड दे नीड टू टेक मोर मेडिसिन। एस्मेटिक्स कैन हैव एक्यूट अटैक। पेशेंट्स हु हैव गॉट अ कार्डियक डिजीज, दे कैन हैव अ हार्ट अटैक। चिल्ड्रेन, दे गेट मोर इन्फेक्शंस। सो क्लियरली दीज डेज आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर आवर हेल्थ, बिकॉज आवर हेल्थ कैन वर्सन, स्पेशली यू ऑलरेडी हैव अ चेस्ट डिजीज। सो इसमें प्रिकॉशंस क्या लीजिए? तो ज़रूरी है कि जो हमारी दवाइयाँ हैं, जो आपको डॉक्टर ने बताई हैं सांस के लिए, खांसी के लिए, उनको नियमित रूप से लें। अगर दवाई का असर नहीं आ रहा तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि दवाई को बढ़ाया जा सके। वेरी ऑफन वी फील द नीड टू इंक्रीज द डोज ऑफ द मेडिसिन। समटाइम्स व्हेन द सिम्टम्स आर वर्सनिंग, पेशेंट्स कैन रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो। सो वन नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स एंड टेक द राइट एक्शन। उसके अलावा जो एक्सपोजर्स हैं, यानी कि ऐसे वातावरण में हम ना जाएं कि जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा है, धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसमें ऐड करेगा, तो जो ट्रैफिक ज़्यादा है ऐसे एरिया से बचना चाहिए। अगर आप उस एरिया से गुजरें तो खिड़कियाँ बंद करके गुजरें, घर में सफाई रखें। बर्निंग ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, पत्ते जलाना, इन सब से अपने गार्डनर को या गली में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बताना चाहिए कि ये ना करें, क्योंकि इनसे भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। तो दवाइयाँ नियमित रूप से लेना, रेगुलर मॉनिटरिंग, ये सब बहुत ज़रूरी है कि इस पीरियड में, जिसमें कि खासकर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, इससे हमारे लंग्स के ऊपर बुरा इफेक्ट ना पड़े। धन्यवाद।